दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले अक्षय कुमार सर की फिल्म रक्षाबंधन की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में। एज यू नो फिल्म जो है वो थिएटर्स में फ्लॉप हो चुकी है और सब लोग दोस्तों ओटीटी रिलीज डेट का वेट कर रहे हैं। फिल्म दोस्तों मुझे लगता है कि कम ही लोगों ने थिएटर में जाकर देखा होगा। वैसे आपने देखी या नहीं कमेंट में जरूर बताना। बात करेंगे रिलीज डेट को लेकर, वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एज यू नो दोस्तों जो अक्षय कुमार सर की फिल्म है वो बैक टू बैक फ्लॉप होते हुए नजर आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बुरी बात है। जहां तक दोस्तों रक्षाबंधन फिल्म जो है वो एक अच्छे टॉपिक पर आई थी और एक अच्छे दिन में आई थी, रक्षाबंधन के दिन में रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी दोस्तों फिल्म को उतना ज्यादा सपोर्ट ऑडियंस का नहीं मिला और फिल्म में भी उतनी कुछ खास चीजें नहीं दिखाई गई है। दोस्तों रिव्यूज की माने या फिर क्रिटिक्स की माने तो वो भी दोस्तों क्या ही कह सकते हैं उस बारे में। बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर तो ये फिल्म जो है वो आपको ऑफिशियली Zee5 पर ही देखने को मिलेंगी। Zee5 वालों का प्रोडक्शन था तो वहां पर ये बात पक्की हो जाती है कि Zee5 पर ही देखने को मिलेंगी। दोस्तों बात आती है आखिर कब। दोस्तों Zee5 पर फिलहाल जो है विक्रांत रोना हिंदी में आने की है, तो उस वजह से दोस्तों ये जो दोनों रिलीज डेट पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे है कि जो रक्षाबंधन फिल्म है वो आपको 9 सितंबर को देखने को मिल जाए। हाँ दोस्तों 9 सितंबर को देखने को मिल जाए। अगर 9 सितंबर को देखने को नहीं मिलती है तो आइदर आपको ये 16 सितंबर में देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों विक्रांत रोना का हिंदी वर्जन जो है वो भी दोस्तों रिलीज होने वाला है, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। 9 सितंबर का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दोस्तों आप बताओ फिल्म आपने थिएटर में देखी या फिर दोस्तों आप एक्साइटेड है ओटीटी के लिए, कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।